आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर हम 6 पैकेट टाइगर क्रंच बिस्किट लिए हैं। ये 5 रुपए वाला है और 40 ग्राम का है। सबसे पहले हम बिस्किट को पैकेट से निकाल लेंगे। इस तरह से पैकेट को खोल करके सारा बिस्किट हम बाउल में निकाल लेंगे। सारा बिस्किट पैकेट से निकाल लिए हैं। अब हमें बिस्किट को ग्राइंड करना है। बिस्किट को ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर हम लिए मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में बिस्किट को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। सारा बिस्किट तोड़कर मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्किट और चीनी को ग्राइंड करके हम फाइन पाउडर बना लेंगे। बिस्किट और चीनी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिए हैं। इसको निकाल लेते हैं बाउल में। बिस्किट पाउडर को रख देते हैं साइड में। चलिए केक टिन तैयार कर लेते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ पर हम केक टिन का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह स्टील की कटोरी या टिफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। केक टिन में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। तेल से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पर हम ब्रश की सहायता से केक टिन को ग्रीस कर रहे हैं। आप अपने हाथों से केक टिन को ग्रीस कर सकते हैं। इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छे से चारों तरफ हम ग्रीस कर देंगे। तेल से केक टिन को ग्रीस कर दिए हैं। यहाँ पर हम बटर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसकी जगह 1 चम्मच सूखा मैदा डालकर केक टिन को अच्छे से डस्ट कर दें। बटर पेपर केक टिन में लगा दिए हैं। थोड़ा सा डालेंगे बटर पेपर के ऊपर तेल। बटर पेपर को भी अच्छे से तेल से ग्रीस कर देंगे। केक टिन तैयार है। इसको रख देते साइड में। चलिए केक का बैटर तैयार करते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर 1/2 कप उबला हुआ नॉर्मल दूध लिए हैं। थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम बिस्किट पाउडर का अच्छा सा बैटर बनाएंगे। पूरा दूध एक साथ में नहीं डालेंगे। पूरा दूध एक साथ डालने से बैटर पतला हो सकता है, इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम बिस्किट की सहायता से बैटर बना रहे हैं। आपके पास यदि बिस्किट ना हो तो आप चम्मच की सहायता से भी बैटर बना सकते हैं। थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो टाइगर क्रंच बिस्किट से बहुत ही टेस्टी केक बनता है। एक बार आप जरूर ट्राई करें। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरी यह केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा दूध और डालेंगे हम। हमें इसी तरह केक बनाने के लिए बैटर चाहिए। ना इससे गाढ़ा चाहिए ना ही इससे पतला। इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल डालने से केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। तेल को भी बैटर में अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों यहाँ पर ना आपको कोकोआ पाउडर की ज़रूरत पड़ेगा ना ही मैदा की ज़रूरत पड़ेगा। ये बिस्किट का केक बहुत ही टेस्टी बनता है। तेल को भी बैटर में अच्छे से मिला दिए हैं। केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल किए हैं। 1 छोटा पाउच इनो डालेंगे। यदि आपके पास इनो ना हो तो आप इसकी जगह पर 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो हम डाल दे रहे हैं बैटर में। इनो को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे दूध इनो के ऊपर। इनो को केक में अच्छे से मिला देंगे। हमें केक के बैटर को बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस इस तरह से हल्के हाथों से इनो को बैटर में हम मिला देंगे। इनो को अच्छे से बैटर में मिला दिए हैं। बैटर तैयार है। चलिए इसको केक टिन में डालते हैं।
बैटर को केक टिन में डाल दिए हैं। केक टिन को 2-3 बार इस तरह से टैप कर देंगे। टैप करने से बैटर में जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। केक बेक होने के लिए तैयार है। चलिए केक को बेक करते हैं। बेक करने के लिए कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिए हैं। कढ़ाई में रखेंगे स्टैंड। यहाँ पर हम स्टैंड का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह स्टील के कटोरी या प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सावधानी के साथ हम कढ़ाई में रख देंगे केक टिन। केक टिन रखने के बाद हम कढ़ाई को ढक देंगे। लो फ्लेम पर केक को 40 से 45 मिनट बेक होने देंगे। वो बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं केक बेक हुआ कि नहीं। लीड को हटा देंगे। केक को चेक करने के लिए यहाँ पर हम टूथपिक का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक को केक के सेंटर में इस तरह से डाल के निकाले हैं। टूथपिक एकदम क्लीन आया, इसमें जरा सा भी बैटर नहीं लगा, यानी कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया। हम गैस को बंद कर देंगे। केक टिन को बाहर निकालेंगे। चेक करने के बाद यदि आपके टूथपिक में बैटर लग रहा है तो आप केक को ढक कर 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पर फिर से पका लें। केक अच्छे से पक जाएगा। कढ़ाई से केक को बाहर निकाल लिए हैं। केक को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। फिर आपको केक टिन से केक निकाल कर दिखाते हैं। हो गया। केक के साइड को छुड़ा देंगे केक टिन से इस तरह से चाकू से। साइड को छुड़ा दिया है। केक टिन के ऊपर रखेंगे प्लेट। प्लेट को घुमा देंगे। घुमाने के बाद 2-3 बार केक टिन को टैप कर देंगे। ये देखिए कितने आसानी से केक निकल गया है। हम केक का बटर पेपर निकाल देते हैं। केक से बटर पेपर निकाल दिए। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना हुआ, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। हम केक को पलट देते हैं। केक को पलट दिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा केक बनकर तैयार हुआ, एकदम फूला फूला सा। हम आपको काट कर दिखाते हैं इस तरह से। काट लिए हैं। ये देखिए दोस्तों कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ, बहुत ही टेस्टी केक बना हुआ। एक बार आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी यह केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। थैंक यू।